हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच स्टॉक्स से रिलेटेड, जो कि आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर भी क्लियरली देखा होगा। एंड जैसे मैंने लिखा है कि एज अ फंडामेंटल एनालिसिस, आप सभी लोगों को पता है हम लोग हमेशा कंपनी के जो पैरामीटर्स रहते हैं उसके रिलेटेड बातें देखते हैं। एंड सबसे बड़ा, अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस को अगर किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो वो कंपनी के रिजल्ट का इंतज़ार होता है। सो यस दोस्तों, यहाँ पे एक ज़बरदस्त हम लोग को ये स्टॉक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देखने को मिलने वाली है। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देख लेना, हर एक स्टॉक से रिलेटेड जो अपडेट है वो आप तक यहाँ पे पहुँचाना जरूर चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पर आपको मिल जाएगी। एंड लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो एक जेएमएम फॉडलर के ऊपर बोनस से रिलेटेड एक बात यहाँ पे सामने आ रही है जो कि प्रमोटर ने ही बताई है। एंड उसी के साथ साथ आईटीसी यहाँ पे क्यों गिर रहा है, आप लोग पूछ रहे थे ना, उसके रिलेटेड जो एक्चुअल वजह है, ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो दोनों वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जल्दी से जाके वहाँ पर भी उन वीडियोज़ को देख के खुद को अपडेट कर लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड एक एक स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। देखा जाए तो इवेंट बिल्कुल सेम है, मतलब एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन करने वाला हूँ इन्फोसिस का शेयर। आप देख सकते हैं इन्फोसिस, जैसे मैंने एक बार कहा था कि ये स्टॉक ज़रूर आप लोगों को चार डिजिट में देखने को मिलेगा। हालांकि आप सभी लोगों को पता है ये जो मोमेंटम है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये जो मोमेंट हम लोग इसमें अभी जी रहे हैं, इसके लिए लगभग 8 महीना लगा। मतलब 8 महीने पहले अगर आप लोग जाओगे तो ये स्टॉक की जिस तरीके से हालत थी, एंड आप सभी लोगों को तो एज यूजुअल जो रिटेल इन्वेस्टर रहते वो उनको कॉन्फिडेंस ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एंड ऑपरेटर्स ने वही किया, विसल ब्लोअर के जरिए आप लोगों को पता है एक फेक न्यूज़ इन्फोसिस में चला दी। एंड इसके चलते अच्छा खासा 850 वाला स्टॉक हम लोग को बाद में 600 रुपये पे देखने को मिला। उसके बाद 600 के बाद अच्छा रिकवरी भी किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने भी, मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट की जो रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने भी क्लीन चिट देने के बाद कोरोना ने एंट्री ली तो ये स्टॉक 500 पे आ गया। एंड आज फाइनली आप देख सकते हो डबल होके 1000 पे देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि इन्फोसिस जब भी 1400 के आसपास जाता है कंपनी के शेयर प्राइस में हम लोग को बोनस देखने को मिलता है। हालांकि ये कभी ऐसा लिखा हुआ चीज़ नहीं कि ऐसा ही होगा, बट एक एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एनीवेज, इन्फोसिस से रिलेटेड जो बात है उसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है जैसे मैंने कहा कि जिस पल का इंतज़ार हम लोगों को होता है फंडामेंटल एनालिसिस को कि कंपनी के रिजल्ट, यस दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कुछ कंपनी के तो Q1 के रिजल्ट भी अभी तक आए नहीं है। एंड इन्फोसिस ने अपने Q2 के नंबर, मतलब जो रिजल्ट रहेगा उसकी डेट भी यहाँ पे बता दी है। यस दोस्तों, एक्सचेंज के ऊपर आप लोग जाके देख सकते हो। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन्फोसिस के जो Q2 के नंबर से 14 अक्टूबर, यस दोस्तों यहाँ पे डेट सामने हो चुकी है, मैं एक बार यहाँ पे आपके सामने लिख लेता हूँ, 14 अक्टूबर 2020। यस दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यूजुअली, जैसे मैं बोलता हूँ ना, रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि इतना ही न्यूज़ है। दोस्तों, रिजल्ट के ऊपर ही तो कंपनी का भवितव्य डिपेंड करता है। फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी अपना डिसीजन कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, मतलब उससे रिलेटेड मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ ना कि यस, ये कंपनी के रिजल्ट मुझे ठीक लगे, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। तो ये रिजल्ट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो 14 तारीख एंड अक्टूबर का ये मंथ आप लोगों ने जरूर नोट डाउन करके रखना चाहिए, जहाँ पे इन्फोसिस अपने Q2 के नंबर्स यहाँ पे पेश करने वाला है। सो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इन्फोसिस किस तरीके से नंबर पेश करेगा। आज के दिन की बात करें तो 31% के आसपास, 32% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, इन्फोसिस के बाद सेकंड स्टॉक यहाँ पे आ जाते हैं HCL टेक्नोलॉजीज। ये भी दोनों इंडेक्स में चलने वाला स्टॉक है, मतलब BSE सेंसेक्स में भी देखेगा, उसी के साथ साथ निफ्टी 50 वाला भी स्टॉक है। एंड इन्फोसिस के बाद दो दिन के बाद ये भी HCL टेक्नोलॉजी भी दोस्तों यहाँ पे 16 अक्टूबर को, यहाँ पे मैं डेट लिखना चाहूँगा, अपने Q2 के नंबर्स यहाँ पे पेश करने वाला है। बताया जा रहा है कि HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर बहुत ही शानदार आ सकते हैं। अभी देखते हैं, अगर नंबर अच्छे हैं तो अच्छी ही बात है, एंड अगर नहीं भी आए तो आप सभी लोग पता है इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी खराब होते हैं। सिर्फ हम लोग को देखना होता है, कोई बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा ज़रूर होता है। सो HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, मतलब दो आईटी के हाथी हम लोगों को यहाँ पे अपने Q2 के नंबर्स प्रेजेंट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसी के चलते अभी इनके ऊपर और भी कड़ी नज़रें यहाँ पे बनाए रखनी चाहिए। हालांकि ये बताया भी जाता है, आप सभी लोग पता है बहुत सारे लोग पूछते हैं, दो सवाल उसी का भी जवाब देना चाहूँगा। सर, ये जो रिजल्ट रहते हैं क्या पहले ही किसी को अंदाज़ा होगा? शायद से हो सकता है दोस्तों। देखिए, रिजल्ट बनाने वाले कौन होते हैं? इंसान ही तो होते हैं, राइट? जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने वाले ऑडिटर्स होते हैं, आप सभी लोग पता है। तो क्या ये लीक हो सकता है? तो
ऐसा बोलने के लिए तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, गलत रहेगा, बट इससे ऐसी चीज़ें पहले भी हो चुकी है। मतलब हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कंपनी के रिजल्ट, मतलब फॉर एग्जांपल इस दिन पे है एंड उसी कुछ दिन पहले शेयर भागना लग जाता है एंड बाद में समझ में आता है कि रिजल्ट शानदार आया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों का सेकेंड सवाल रहता है, क्या रिजल्ट के ऊपर हम लोगों ने रिलाय करना चाहिए? सो ऑब्वियसली दोस्तों, रिजल्ट ही तो सब कुछ होता है। हाँ, ऐसी चीज़ें हो चुकी है मार्केट में जो कि हम लोगों ने देखा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने वाले होते, बनाने वाले होते, वो तो मैनेजमेंट रहते हैं, बट चेक करने वाले ने प्रॉपरली चीज़ें चेक नहीं किया एंड इसके बदौलत हम लोग को फ्रॉड देखने को मिला है। सो ऐसी चीज़ें तो ज़रूर हुई है, बट ऐसे में हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में 95% मेहनत होती है एंड 5% लक रहता है। सो 5% लक के कैटेगरी में वो सारी चीज़ें आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग स्टॉक मार्केट के छोड़ के ही मैदान के बाहर जाके बैठ जाए। सो ये सारी चीज़ें तो ज़रूर होती है, बट अगर हम लोग रेपुटेशन की बात करें सो ये दोनों ही ज़बरदस्त कंपनी, तो डेफिनेटली इनके जो रिजल्ट रहते हैं इसके ऊपर आप लोग जरूर आंख बंद करके भरोसा रख सकते हो। सो इन दोनों कंपनी के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। आज के दिन की बात करें, मतलब 29 सितंबर की, तो 30% के आसपास डिलीवरीज एक्सेल टेक्नोलॉजीज में हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अभी हम लोग आ जाते हैं प्राइवेट। यस दोस्तों, इंडिया की प्राइवेट में नंबर वन बैंक है तो HDFC बैंक है। टॉप फाइव में अगर कोई एक बैंक आती है तो उसका भी नाम HDFC बैंक है। फिलहाल 1000 के यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग को बहुत ज्यादा अनबन होते हुए देखने को मिलने वाली है एंड HDFC बैंक भी दोस्तों 17 तारीख को, यस यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 17 अक्टूबर को यहाँ पे अपने रिजल्ट पेश करने वाली है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग से रिलेटेड बहुत कुछ इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें का ऑर्डर भी दिया है कि आप NPA डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो शायद से इस वक्त के जो NPAs रहेगी हम लोगों को कम देखने को भी मिल सकते हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी के रिजल्ट सॉलिड आ गए। जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से फैक्टर्स अच्छे हैं, कौन से फैक्टर अच्छे नहीं है। बट फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप सभी लोगों को पता है रिजल्ट का दिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं, तो यही एक चीज़ है जिससे रिलेटेड हम लोग आगे की जर्नी कैसी रहेगी उससे रिलेटेड हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं। सो 29 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे जो डिलीवरीज है वो भी सिमिलर 29% 28% के आसपास देखने को मिल रही है। सो इन्फोसिस, एक्सेल टेक, HDFC बैंक एंड उसके बाद और दो जबरदस्त स्टॉक जिसका नाम है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। यस दोस्तों, इन कंपनीज के भी रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट कब है तो उसका डेट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। बजाज फाइनेंस आने वाले 21 अक्टूबर, यहाँ पे लिख के बताना चाहूँगा 21/10/2020। बजाज फाइनेंस भी एंड बजाज फिनसर्व दोनों एक ही दिन पे अपने रिजल्ट पोस्ट कर देते हैं। सो कोई अलग अलग डेट नहीं रहती है। सो बजाज फाइनेंस हो, फिनसर्व हो, दोनों के हम लोगों को रिजल्ट एक ही दिन पे देखने को मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पे आ भी जाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बजाज फिनसर्व ये भी 21 तारीख यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अक्टूबर के दिन अपने रिजल्ट को यहाँ पे पेश करने वाले हैं। हालांकि रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा समय हम लोग को अभी भी देखने को मिल रहा है, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जैसे कि मोरेटोरियम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है जो कि इस वक्त ही आने वाला था 28 सितंबर को, बट फिलहाल वो एडजॉर्न कर दिया गया है 5 तारीख का। मतलब सरकार को और एक यहाँ पे एक वीक का यहाँ पे मोहलत दी गई है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग को बीच में अनबन होते हुए देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये 5 स्टॉक्स है, इससे रिलेटेड अभी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें आज के दिन के परफॉर्मेंस की, तो ज़्यादा हम लोगों को ये डिलीवरीज नहीं देखने को नहीं मिल रहा है, मात्र 5 से 6%, जो कोई बड़ी बात नहीं, इससे रिलेटेड कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ट्रेडिंग के लिए आप लोग ज़रूर इसके लिए सोच सकते हो, मतलब उनके लिए जो डेटा उतना इंपॉर्टेंट रहता है। बजाज फिनसर्व भी आप लोग देख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं, 6.37% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, ओवरऑल वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि ये 5 स्टॉक जो कि हम लोग कह सकते हैं कि इंडेक्स वाले 5 स्टॉक्स है, ऐसा नहीं कि इससे पहले भी रिजल्ट यहाँ पे शुरू होने वाले। अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ तो 1 अक्टूबर से यहाँ पे अलग अलग कंपनीज है, मतलब लगभग अगर मैं बात कर दूँ सो 10 कंपनियाँ ऐसी है जो कि इनसे पहले भी यहाँ पे रिजल्ट बताने वाली, बट वो इतनी पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा फेमस मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने उनको अवॉइड किया है। बट अगर हम लोग बात करें तो इंडेक्स वाली कोई कंपनी है तो इन्फोसिस के साथ शुरुआत होने वाली है जो कि 14 अक्टूबर को बताएगा, HCL 16 को, HDFC 17 को, बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व 21 को। सो ये 5 कंपनी इंडेक्स वाली है एंड इसीलिए इन 5 कंपनीज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस बाजार का यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि वो उनके रिजल्ट जो आएंगे उससे रिलेटेड हम लोगों को बाजार का चाल भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो वेटेज रहता है परसेंटेज, उसमें हम लोगों को ये 5 कंपनी देखने को मिलती है। सो आई अच्छा करता हूँ दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट था, बट इससे रिलेटेड ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे बतानी थी, इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। सो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी देख लेना कि रिजल्ट के पहले इन सारे स्टॉक को, मतलब इन्फोसिस, HCLTech,
HDFC बैंक, उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व, इन सभी लोगों के ऊपर आप लोगों ने डेली अभी नज़र रखनी चाहिए। डिलीवरीज कितनी होती है, गिरावट कितनी होती है, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ कैसी आती है, तो इससे हम लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा आ जाता है कि इनके रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। अगर बात किया जाए तो IT कंपनीज के रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी गई है। अगर हम लोग बात करें एसेंशियल्स जो कि विदेश की कंपनी है, वहाँ पर उन्होंने जो नंबर्स अपने पेश किए थे वो बीच में बहुत ही शानदार थे, इसलिए हमारे इधर भी शायद से IT कंपनी के रिजल्ट थोड़े बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। सो यही हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि इनके नंबर्स कैसे रहेंगे, जिससे रिलेटेड हम लोग आगे की रणनीति यहाँ पे तय कर सकते हैं। सो फिलहाल वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।